नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। डॉक्टर बिटिया से रेप मर्डर मामले में बंगाल सरकार बड़ी मुश्किल में है। आज कोलकाता से लेकर हावड़ा तक छात्रों और जनता ने विरोध में नबन्ना मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी हर हाल में ममता सरकार के दफ्तर तक पहुंचकर विरोध जताना चाहते थे, ममता के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन बंगाल पुलिस ने तय कर रखा था कि उन्हें रोकना है और प्रदर्शन को दबाना है। इस कोशिश में आज कोलकाता से लेकर हावड़ा तक सड़क पर जनता और पुलिस के बीच भीषण भिड़ंत हुई। आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, वाटर कैनन, पुलिस ने प्रदर्शन के दमन के लिए इन तीनों हथियारों का बखूबी इस्तेमाल किया। अगर वो कहती हैं कि मैंने पुलिस को संरक्षण नहीं दिया, तो सवाल ये उठता है कि उनसे बड़ा नेता उनकी ही सरकार में कौन है। मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। तो बिल्कुल देखिए, कोलकाता की सड़कों पर आज संग्राम हुआ। एक तरफ छात्र संगठनों के आंदोलन में हजारों लोगों की भीड़ नबन्ना की तरफ बढ़ती दिखी, तो वहीं दूसरी ओर जनता को रोकने के लिए पुलिस ने भारी इंतजाम किया। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर जब जनता नबन्ना की तरफ बढ़ी तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक तरफ पुलिस का डंडा है तो दूसरी तरफ डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ मांगती भी। एक तरफ कोलकाता की पुलिस तो दूसरी तरफ जनता का आक्रोश। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भीड़ का गुस्सा ऐसा फूटा कि ना ही पुलिस का डंडा उसे रोक पाया, ना ही लोहे की दीवारें। डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग के लिए उतनी भीड़ को रोकने में ना ही आंसू गैस के गोले काम आए, ना ही पानी की बौछार। ममता सरकार और कोलकाता पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि इन बढ़ते कदमों को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन लोगों के कदम पीछे नहीं हटे। कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की लाख कोशिशें की, लेकिन मानो भीड़ हर पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ती रही। कोलकाता को 8 और 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में छात्र और मजदूर संगठनों ने रैली का आह्वान किया, जिसे नाम दिया गया नबन्ना अभियान मार्च। पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी जैथा मंच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा चल रहा है, इसमें अगर कोई संताश कोई भी कुछ करना चाहे तो हमारा ये आंदोलन यहाँ पे नहीं रुकेगा। हमारा आंदोलन का जो मेन मुद्दा है वह है दफा एक, दाबी एक, ममता पदोत्याग। नबन्ना चलो मार्च में मानो हजारों लोग कोलकाता की सड़कों पर उतर गए। पुलिस ने इस मार्च को रोकने के लिए जगह जगह तगड़े इंतजाम किए। प्रदर्शनकारियों को नबन्ना जाने से रोकने के लिए 7 रूट पर 3 लेयर में 6,000 फोर्स तैनात की गई थी। 19 पॉइंट्स पर बैरिगेटिंग और 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए थे। हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया था, निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली गई, लेकिन सारे इंतजाम मानो भीड़ के सामने बौने पड़े। बैरिकेटिंग तोड़कर लोग आगे बढ़ते। पुलिस की लाठियों के बजाय प्रदर्शनकारी रुके नहीं। वाटर कैनन की बौछार से भी इनके कदम डिगे नहीं। घंटों तक कोलकाता की सड़कों पर ऐसा ही मंजर। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैर कानूनी बताया। कोलकाता रेप और हत्याकांड के बाद जनता के इस उबाल से साफ है कि जनता में ममता सरकार और उनकी पुलिस के खिलाफ कितना गुस्सा भरा है, लेकिन इस पुलिस एक्शन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
कोलकाता पुलिस से यह सवाल है कि जब क्राइम सीन को सुरक्षित करना था तब वो कहां थी? 14 अगस्त की रात जब आरजीकर अस्पताल में उत्पात मचाया जा रहा था तब वो कहां थी? और अब जब जनता सवाल मांगने सड़कों पर उतरी है तो उन पर हर मुमकिन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोलकाता और हावड़ा से आज जो तस्वीरें आई वो ममता सरकार के लिए एक सबक है। इन तस्वीरों से साफ है कि सरकार और सिस्टम पर अब जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। सौमित सेन गुप्ता, कोलकाता, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, कोलकाता में डॉक्टर बिटिया की हत्या के बाद से ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। ममता सरकार और पुलिस ने जिस तरह से इस केस को हैंडल किया उससे जनता में आक्रोश है और बंगाल की सड़कों पर आज हुजूम इकट्ठा हो गया। एक तरफ जनता दीदी का इस्तीफा मांग रही है तो वहीं टीएमसी इस जन आंदोलन को ही राजनीतिक रंग देने की कोशिश में है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सड़कों पर हाथ में तिरंगा लेकर उतरे ये बुजुर्ग क्या राजनीति कर रहे हैं? क्या पुलिस के डंडों का सामना कर रहे ये लोग पॉलिटिक्स करने सड़क पर उतरे हैं? कोलकाता की सड़कों पर जो लोग आज डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं क्या ये किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत उतरे हैं? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं बल्कि ये कहना है ममता सरकार और उनके पुलिस का। दीदी और उनकी पुलिस को उनके खिलाफ लोगों का ये गुस्सा कोई साजिश लगती है? कोलकाता पुलिस को भी इस जन आक्रोश के पीछे किसी और का हाथ लगता है। दरअसल 90 मार्च के एक दिन पहले ही टीएमसी ने एक कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। टीएमसी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो लोगों का वीडियो जारी किया। टीएमसी ने 90 मार्च से एक दिन पहले ही इसे राजनीति से प्रेरित बताया, साथ ही इस आंदोलन की आड़ में कोई बड़ी साजिश रचने का आरोप भी लगाया। वो लोग एबीवीपी भाजपा का आदमी है, उसका पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारा जो स्टूडेंट यूथ लीडर्स है उन्होंने सोशल मीडिया में क्लियर कर दिया। दीदी की पार्टी ने जो दावा किया ऐसा ही कुछ दावा पुलिस ने भी किया। वी हैव स्पेसिफिक इंटेल दैट कॉन्स्पिरेसीज एंड प्लान्स आर अंडरवे टू क्रिएट केओस एंड इंस्टेबिलिटी एंड देयर विल बी मिसक्रिएंट्स हु विल स्टूप टू एनी लेवल। छात्रों और मजदूर यूनियन के विरोध प्रदर्शन को राजनीति से जोड़ा जा रहा था। इस बीच मंगलवार को सड़कों पर जन आक्रोश दिखा। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए तगड़े इंतजाम कर रखे थे लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्से के सामने सारे इंतजाम फेल हो गए। जनता इंसाफ मांग रही है लेकिन इधर इस मामले पर राजनीति अभी भी नहीं थमी। आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भीड़ की मांग साफ है, इंसाफ और इस्तीफा। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देना कितना जायज है। सौमित सेन गुप्ता, कोलकाता, जी मीडिया। और देखिए, कोलकाता में हुई दरिंदगी को लेकर इंसाफ की मांग ममता सरकार के लिए बड़ी टेंशन बनती जा रही है। तो वहीं इस घिनौनी वारदात का मुख्य आरोपी संजय रॉय की जुबान ने सच उगलना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने रेप के बाद हत्या की वजह का खुलासा किया लेकिन आरोपी संजय के इस खुलासे ने अस्पताल प्रशासन को एक बार फिर से शक के घेरे में ला खड़ा किया है। दिखाते हैं रिपोर्ट। लड़की चिल्लाई तो मारा, लड़की ने विरोध किया तो गला दबाया, दम घुटने तक गला दबाए रखा। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत का गुनहगार है संजय रॉय और संजय रॉय की जुबान उस रात के एक एक सच को दुनिया के सामने रख रही है।
डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी कर उसे मार डाला गया। बलात्कार से पहले लेडी डॉक्टर के साथ मारपीट हुई और रेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। संजय रॉय ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन आरोपी संजय ने डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत की वजह का भी खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने बताया कि उसने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की क्योंकि वो लगातार चिल्ला रही थी। डॉक्टर बिटिया ने अपने बचाव के लिए आवाज भी लगाई, वो लगातार चिल्लाती रही। संजय रॉय को पकड़े जाने का डर लगा तो उसने पूरी ताकत से ट्रेनी डॉक्टर का गला दबाया और गला तब तक दबाए रखा जब तक डॉक्टर बिटिया ने दम नहीं तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी रह चुका है, इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी डॉक्टर बिटिया उसके हाथों से खुद का बचाव नहीं कर पाए और संजय रॉय की दरिंदगी और हैवानियत के सामने लेडी डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने बताया कि वारदात के वक्त लेडी डॉक्टर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद के लिए शोर मचा रही थी, लेकिन सवाल उठता है कि रात के सन्नाटे में डॉक्टर बिटिया की आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी? वारदात के पास मौजूद डॉक्टरों के कमरों तक वो आवाज क्यों नहीं पहुंची और कोई डॉक्टर बिटिया को बचाने के लिए क्यों नहीं आया? कोलकाता में हैवानियत की शर्मनाक खबर सामने आने के बाद से ही ममता सरकार और ममता बनर्जी की पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठते रहे हैं। सीबीआई भी पूरे मामले में कोलकाता पुलिस को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। जी न्यूज के मेगा कॉन्क्लेव में पहुंची बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने भी डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी को लेकर ममता सरकार के एक्शन पर तीखा हमला बोला। अचानक हथियार लेके आ जाते हैं, शहर में जमा हो जाते हैं, शहर की पुलिस को पता नहीं होता और शहर का कमिश्नर सार्वजनिक बयान देता है, हाँ हमसे गलती हो गई। आपको सामने से आपका पुलिस चीफ कह रहा है मुझसे गलती हो गई, आप फिर भी उसी के साथ काम चला रहे हैं। वो तो खुद मान रहा है कि मैंने गलती की है, वो तो खुद मान रहा है मैं असहाय हूँ। अरे वो असहाय है जिनकी ड्यूटी है लोगों की रक्षा करना, तो आपने क्या एक्शन लिया, ममता जी ने क्या एक्शन लिया? संजय रॉय पर पहले भी कई तरह के गंभीर आरोप लग चुके हैं। मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी में शामिल संजय रॉय का पूरे अस्पताल में एक्सेस था। प्रिंसिपल संदीप घोष से क्लोज कॉन्टैक्ट था। कोलकाता पुलिस से संजय रॉय की करीबी थी, लेकिन जिस तरह से संजय रॉय ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर सब कबूल भी करवा लिया, उसने सीबीआई को भी संजय रॉय के दिमाग की तह तक पहुंचने के लिए मजबूर किया। और अब संजय रॉय के खुलासे डॉक्टर बिटिया के साथ हुए अन्याय पर न्याय मांग रहे हैं। रिपोर्ट दिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर बाबा का एक्शन लगातार जारी है। महाराजगंज में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने ऐसा जख्म दिया कि वो सर उठाकर तो क्या कभी सीधा भी नहीं चल पाएगा। वहीं फतेहपुर में हिस्ट्री शीटर हाजी रजा के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर से यहां पर ढा दिया गया। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी का एक्शन ऑन द स्पॉट पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इसके गुनाहों ने इसे पैरों पर खड़े रहने लायक नहीं रखा। इसका नाम सलमान है, जिसका अर्थ तो संरक्षक होता है, लेकिन इसके कारनामे भक्षक वाले हैं। इस पर 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप का आरोप है। मामला यूपी के महाराजगंज का है। बताया जा रहा है कि 6 साल की नाबालिग बच्ची सुबह 10 बजे घर से खेलने के लिए निकली, लेकिन कई घंटों तक घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने पूरे इलाके में बच्ची को ढूंढा। 5 घंटे बाद सलमान के घर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, जहां सलमान ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची के परिजन थाने में शिकायत दर्ज कराने गए तो दूसरी तरफ सलमान वारदात के बाद फरार हो गया। करीब 8 घंटे बाद पुलिस ने सलमान को धर दबोचा। यहां से भी सलमान पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मारी। अब आरोपी सलमान का भागना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो गया है। मुखबिर द्वारा सूचना थाना महाराजगंज के एसएचओ अवरजीत की टीम को प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त एमी आलापुर के तारापुर मोड़ के पास से इसके भागने की सूचना है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा जब गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम के जान मारने की नीयत से लक्ष्य करके फायर किया गया। दौरान पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एक्शन ऑन द स्पॉट की दूसरी तस्वीर फतेहपुर से सामने आई, जहां बाबा का बुलडोजर जमकर चला है। यूपी में कानून का पीला पंजा जिस निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग को जमींदोज करने में जुटा है, वो समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा का है। इसकी पहचान हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधी की भी है। ये गैंग बनाकर लोगों और सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करता है। पीएम मोदी के खिलाफ भी हाजी रजा विवादित बयान दे चुका है।
प्रशासन ने हाजी रजा की जिस कमर्शियल बिल्डिंग को गिराया है वो बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से बनी है। तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है और कहीं ना कहीं विद्वेष की भावना से हो रही है। ये अधिकारी और कर्मचारी समझ लें, जब भी इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच होगी तो इसकी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे आएगी और इनके अपने वेतन से ये सब भरने पड़ेंगे। ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है, पुलिस हाजी रजा की क्राइम कुंडली खंगाल कर अन्य मुकदमों की भी जाँच करने वाली है। हाजी रजा के ऊपर जनपद में 23 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं जो अलग अलग थानों में हैं। ये D69 गैंग का सक्रिय सदस्य है और थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। इसके खिलाफ जितने मुकदमे हैं उनकी पैरवी करके उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से लेकर फतेहपुर में अपराधियों पर कार्रवाई बता रही है कि योगी सरकार में एक्शन ऑन द स्पॉट होता है। ये तस्वीरें अपराधियों के लिए भी उदाहरण है कि गलत किया तो अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। फतेहपुर से अवनीश सिंह और महाराजगंज से अमित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।